हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मनीषा जोशी फ्रॉम रोड टू वेब डॉट इन। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ सीएसएस डिस्प्ले, डिस्प्ले नन, इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक, इनहेरिट और लिस्ट आइटम। सो इसकी और भी प्रॉपर्टीज़ है, वो आगे के वीडियो में हम सीखेंगे, बट ये मेन प्रॉपर्टीज़ है वो हम आज सीखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इसे मैं प्रैक्टिकली करती हूँ। यहाँ पर मैंने टाइटल दिया है डिस्प्ले, और यहाँ पर एक लिस्ट ली है, स्पैन लिया है और एंकर टैग दिया है। तो सबसे पहले मैं लिस्ट पे काम करूँगी, वह एक टी कॉफ़ी और उस पर ओके। यहाँ पे मैं अभी सबसे पहले जो प्रॉपर्टी वो लेने वाली हूँ, डिस्प्ले नन। डिस्प्ले नन बेसिकली मतलब होता है कि हाइड करना। जैसे यहाँ पे मैंने H1 दे दिया और उसे दे दी प्रॉपर्टी डिस्प्ले नन की। इसे रिफ्रेश करूँगी, ये देखिए हेडिंग हाइड हो गई है। तो डिस्प्ले नन मीन्स उसे हाइड करना होता है। दूसरा है डिस्प्ले इनलाइन। इनलाइन मतलब यहाँ पे मैंने जो है लिस्ट लिया है वन टी कॉफ़ी का। तो अगर ये मैं चाहती हूँ कि एक ही लाइन में आए, तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी इनलाइन काम आती है। अभी यहाँ पे मैं इनलाइन प्रॉपर्टी लेती हूँ। सो यहाँ पे मैं लूँगी डिस्प्ले इनलाइन। तो ये देखिए कॉफ़ी, टी और ये जो है एक ही लाइन में आ गई है। तो इसे एक बॉर्डर दे देती हूँ। तो डिस्प्ले इनलाइन क्या करता है, एक लाइन में डाल देता है। जो भी यूएल लिस्ट है उसे एक लाइन में आप डालना चाहते हो तो वो एक लाइन में आ जाता है। और फिर जो मैंने बताया था वो है डिस्प्ले ब्लॉक। डिस्प्ले ब्लॉक मीन्स अभी यहाँ पे मैंने एक स्पैन लिया है, 1 2 3 जो है ये स्पैन है। तो मैं चाहती हूँ कि स्पैन जो है वो एक लाइन में आए, जैसे कि लिस्ट आती है। तो ब्लॉक प्रॉपर्टी क्या करेगा, वो एक उसको डिव का वैल्यू दे देगा। ना कि आप उसे एक लाइन में ला सकते हो, उसे विड्थ दे सकते हो, पैडिंग दे सकते हो, मार्जिन दे सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पे स्पैन का स्पैन यहाँ पे लिखूंगी और उसे दूंगी डिस्प्ले ब्लॉक की प्रॉपर्टी। तो आप देखोगे यहाँ पे 1 2 3 जो है वो एक लाइन में आ गए हैं। तो इसे भी एक बॉर्डर दे देती हूँ और आपको डिफरेंस बताती हूँ इनलाइन और उसमें ब्लॉक में। तो इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे अभी इनलाइन मीन्स होता है कि एक लाइन में आना, बट आप इसे विड्थ नहीं दे सकते हो। ब्लॉक जो है वो एक डिव का काम करता है। यहाँ पे आप एक मतलब पूरा एक सेक्शन आपको दे दिया है, आप इसका विड्थ भी डिसाइड कर सकते हो, पैडिंग मार्जिन वगैरह सब दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने डिस्प्ले इनलाइन इनलाइन में यहाँ पे मैंने अगर विड्थ दे दी 200 पिक्सल और इसे रिफ्रेश करूँगी, तो यहाँ पे कुछ काम में नहीं आएगी। ठीक, यहाँ पे इनलाइन सिर्फ इनलाइन ही रहेगा। और ब्लॉक में जो है आप विड्थ दे सकोगे, विड्थ दे दिया यहाँ पे मैंने 200 पिक्सल, ये देखिए कम हो गई विड्थ, पहले ज़्यादा थी अभी कम हो गई। पहले पूरा उसने जो स्क्रीन का विड्थ है वो पूरा ले लिया था, जैसे कि ब्लॉक डिवीजन लेता है। अभी मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे इनलाइन में है विड्थ दे सकूँ, तो उसके लिए आपको करना होगा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक मतलब होता है कि ये एक लाइन में भी रहेगी और एक ब्लॉक की तरह काम करेगी, मतलब आप विड्थ दे सकते हो उसमें, एक डिवीजन की तरह काम करेगी। तो यहाँ पे मैं इनलाइन ब्लॉक की प्रॉपर्टी ले लेती हूँ और इसे सेव करती हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पे मैं इसको फुल करती हूँ, तो आप देखो यहाँ पे विद भी आ गई है और ये ब्लॉक की तरह भी अपीयर हो गया है। अभी यहाँ पे विद मैं कम करती हूँ, 20 पिक्सल लेती हूँ और इसे रिफ्रेश करूँगी, तो ये देखिए 20 पिक्सल पूरा बहुत ही छोटा हो गया है। तो ये बेसिकली क्या कर रही है, इनलाइन क्या करेगा, एक लाइन में करेगा, बट इनलाइन ब्लॉक से क्या होगा, आप विद पैडिंग वगैरह सब दे सकते हो, इसे एक डिवीजन की तरह इसे यूज़ कर सकते हो, ये देखिए। और यहाँ पे मैं अभी पैडिंग भी दूंगी 20 पिक्सल, तो देखिए। तो बेसिकली ये डिफरेंस है इनलाइन और ब्लॉक में, और इनलाइन ब्लॉक में। दूसरी है वो है लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम तो लिस्ट आइटम में यहाँ पे जैसे मैंने ये स्पैन में डिस्प्ले ब्लॉक दिया है, इसे हटा देती हूँ और रिफ्रेश करती हूँ। तो ये 1 2 3 एक डिस्प्ले की तरह आ गया है। बट लिस्ट आइटम में क्या होगा, जैसे ही मैंने डिस्प्ले लिस्ट आइटम दिया तो ये लिस्ट की तरह अपीयर हो जाएगा, ये देखिए 1 2 3। तो आप इसमें लिस्ट की प्रॉपर्टी भी दे सकते हो। लिस्ट स्टाइल टाइप जो प्रॉपर्टी है सीएसएस की मैंने एक्सप्लेन की है, जिसे नहीं पता वो मेरा वीडियो देख सकता है, लिस्ट स्टाइल टाइप प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे मैं वो ये प्रॉपर्टी दे सकती हूँ, जैसे कि लिस्ट स्टाइल टाइप
मैं यहाँ पे रोमन दे देती हूँ और इसे रिफ्रेश करती हूँ। तो ये देखिए रोमन हाइड हो रहा है। मैं इनर इन इनसाइड ले लेती हूँ, लिस्ट स्टाइल पोजीशन ले लेती हूँ, इनसाइड ऐसे सेव करती हूँ। ये देखिए इनसाइड करने से ये देखिए 1 2 3 1 2 3 रोमन आ गया है। अलग अलग लिस्ट स्टाइल की प्रॉपर्टीज़ है जो मैंने एक्सप्लेन की है दूसरे वीडियो में। तो इस तरह आप लिस्ट स्टाइल टैब भी यूज़ कर सकते हो अगर डिस्प्ले लिस्ट आइटम उसको अपियर करो, वरना आप ऐसे नॉर्मली यूज़ नहीं कर सकते। बट अगर आप डिस्प्ले उसको लिस्ट आइटम करोगे तो आप लिस्ट स्टाइल टैब की सारी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो। तो ये था डिस्प्ले लिस्ट आइटम। और एक चीज़ रह गई है उसमें, इसमें ये है वो है डिस्प्ले इनहेरिट। इनहेरिट मीन्स क्या होता है? तो इसके लिए हम लेंगे एक पैरा। तो डिस्प्ले इनहेरिट बेसिकली क्या करता है, मतलब बॉडी में अगर जो भी इनहेरिट मीन्स होता है जो मेन बॉडी को प्रॉपर्टी दी है वो। यहाँ पे मैंने अगर बॉडी को, सपोज बॉडी को मैंने प्रॉपर्टी दी है इनलाइन, मतलब जो पैरा है वो इनलाइन रहेगा। सो मैंने डिस्प्ले इनलाइन प्रॉपर्टी दी है, तो आप देखोगे ये बॉडी की प्रॉपर्टी दी है डिस्प्ले इनलाइन। तो जिस जिसको यहाँ पे मैंने जिस जिसको इनलाइन देनी है, मुझे स्पैन को इनलाइन देनी है या फिर पैरा को इनलाइन देनी है, तो आपको जस्ट उसमें लिखना है डिस्प्ले इनहेरिट। इनहेरिट मतलब जो बॉडी को प्रॉपर्टी रहेगी डिस्प्ले की वो पैरा में या स्पैन में जहाँ पे भी आप डालोगे वो आ जाएगी। तो मैंने बॉडी में प्रॉपर्टी दी है डिस्प्ले इनलाइन। अभी यहाँ पे मैं पी टैग को डिस्प्ले प्रॉपर्टी दूंगी, वो है डिस्प्ले इनहेरिट, और ऐसे सेव करूंगी, रिफ्रेश करूंगी। तो आप देखोगे दिस इज अ पैरा, दिस इज सेकेंड। ये इनहेरिट मतलब जो डिस्प्ले में जो था बॉडी में जो प्रॉपर्टी थी डिस्प्ले इनलाइन, वो ही पैरा को आ गई है। एक ही लाइन में ये आ गए, दोनों पैरा एक लाइन में आ गए हैं, बिकॉज जो प्रॉपर्टी बॉडी की थी वो यहाँ पे यूज हो गई है। इनहेरिट मीन्स जो मेन प्रॉपर्टी है जो बॉडी को हम यूजुअली देते हैं। तो ये था डिस्प्ले प्रॉपर्टी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।